मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यमुना किनारे बसा वृंदावन धाम वह स्थान है जहां श्री कृष्ण जी गाय चराते थे। यहां श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान और मंदिर हैं। अगर आप वृंदावन धाम की यात्रा कर चुके हैं तो आपने यमुना किनारे केसी घाट के बगल में दूर से ये ऊंचा मंदिर जरूर देखा होगा जो यमुना पार से भी दिखाई देता है। यकीनन आप इस मंदिर को नहीं जानते होंगे क्योंकि ये मंदिर सदियों से कभी दर्शनों के लिए खुलता ही नहीं है। इस मंदिर का नाम है श्री युगल किशोर मंदिर। वृंदावन धाम यात्रा के इस एपिसोड में मैं आपको इसी मंदिर की दास्तां सुनाने जा रहा हूँ जो वृंदावन में मुगल आक्रमण और आतंक की गवाही देता है। मुगलों ने वृंदावन में कई मंदिरों को तोड़ा। भक्तों और मंदिरों के पुजारियों ने इन मंदिरों की प्रतिमाओं को अन्य स्थानों पर छुपा दिया। बाद में कई मंदिरों की प्रतिमाओं को वापस वृंदावन लाया गया और कई प्रतिमाएं जहां गईं वहीं उन्हें स्थापित कर दिया गया। इस तरह वृंदावन के कई मंदिर खंडरों में बदल गए। ऐसा ही एक मंदिर है श्री युगल किशोर मंदिर जो यमुना किनारे केसी घाट के पास स्थित है। लाल पत्थर से बना यह मंदिर ऊंचाई में इतना ऊंचा है कि आपको यमुना पार से भी दिखाई पड़ जाता है। इस मंदिर की बनावट श्री मदन मोहन मंदिर के समान है। आपको बता दें कि श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी के मंदिरों की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। मुगल आक्रमण के दौरान श्री गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को जयपुर ले जाया गया। आज दोनों विग्रह जयपुर में स्थित हैं। मदन मोहन जी के विग्रह को राजस्थान के ही करौली जिले में ले जाया गया। आज करौली जिले में उनका विशाल मंदिर बना हुआ है और श्री युगल किशोर जी के विग्रह को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ले जाया गया। वर्तमान में श्री युगल किशोर जी के विग्रह पन्ना स्थित मंदिर में स्थापित हैं। तब से ही वृंदावन में श्री युगल किशोर जी का ये मंदिर सूना पड़ा है। लाल पत्थर से बने इस मंदिर में बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए गिरधारी श्री कृष्ण जी और लाठी टेके सखाओं की सुंदर आकृति उभरी है। द्वार पर पुष्प पक्षी आदि का सुंदर अलंकरण है। मंदिर का शिखर और अमला कलात्मक हैं। चलिए अब आपको श्री युगल किशोर जी के इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण जहांगीर के शासनकाल में सन 1627 संवत 1684 में नौकाकारण नामक राजपूत ने करवाया था। कहा जाता है कि वह ओरछा के राजा रायसेन का बड़ा भाई था। वृंदावन में तीन वन प्रमुख हैं, निधि वन, सेवा कुंज और किशोर वन। सेवा कुंज के ठीक बगल में किशोर वन स्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री युगल किशोर जी के विग्रह श्री हरिराम व्यास जी को संवत 1620 में वृंदावन में स्थित किशोर वन में एक कुएं से प्राप्त हुए थे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं यही है वो कूप जहां से हरिराम व्यास जी को युगल किशोर जी के विग्रह प्राप्त हुए थे। इस कूप को युगल कूप के नाम से जाना जाता है। हरिराम व्यास जी के विषय में कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश के ओरछा के राजगुरु थे, इसलिए औरंगजेब के आक्रमण के समय युगल किशोर जी के विग्रह को ओरछा के पास पन्ना में स्थानांतरित कर दिया गया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। मित्रों, वृंदावन के अंदर प्रमुखतः तीन वन हैं, निधि वन, सेवा कुंज और किशोर वन। निधि वन श्री बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है सेवा कुंज, ये श्री राधा वल्लभ जी की प्राकट्य स्थली है। और इसी के बगल में जो ये आप वन देख रहे हैं ये वन है किशोर वन। यहाँ श्री युगल किशोर जी के विग्रह प्राप्त हुए थे। ये देखिए, ये एक कूप दिखाई दे रहा है आपको। इस कूप के अंदर से श्री युगल किशोर जी के विग्रह प्रकट हुए थे। किशोर वन में राधा कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है और यहीं श्री हरिराम व्यास जी का समाधि स्थल भी है। ये ठाकुर युगल किशोर जी का निज मंदिर किशोर वन बाग बुंदेला स्थित श्री हरिराम व्यास जी की साधना स्थली। ये हरिराम व्यास जी का चित्रपट है। ओरछा के राजगुरु, वृंदावन के माधव गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, जिनके द्वारा युगल किशोर जी का प्राकट्य संवत 1620 81 के दिन किशोर वन के युगल कूप से हुआ, जो वर्तमान में पन्ना में विग्रह सेवायत है। ये निकुंज की उपासना में श्री हरिराम व्यास जी की विशाखा सखी की संप्रदाय
आपको विशाखा सखी का अवतार भी माना जाता है। आपने अपनी साधना स्थली किशोर वन को बनाया। ये विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी के समाधि स्थल है। ये उनका चित्रपट लगा हुआ है हरिराम व्यास जी का, ये चरण चिन्ह है। दोस्तों, हम वृंदावन की यात्रा जारी रखेंगे और इसी चैनल पर हम आपको संपूर्ण ब्रज धाम की यात्रा करवाने वाले हैं। श्री युगल किशोर जी के मंदिर की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार को भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं वृंदावन धाम यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।